हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कोयले के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। कोयला। कोयला अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान कोयले का है, जो कि 67% तक है। उत्पादन का अधिकतर भाग बिजली उत्पादन में ही खपत हो जाता है। इसके सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडार जो हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। कोयला चार प्रकार का मिलता है या चार किस्मों में मिलता है। एंथ्रेसाइट, जिसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है, यह जो है कोकिंग कोयला भी कहलाता है। इसका उत्पादन भंडारण झारखंड में सर्वाधिक है। जम्मू कश्मीर में भी इसका उत्पादन किया जाता है। बिटुमिन्स, इसे गोंडवाना युग का कोयला भी कहते हैं। भारत में इसी प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और यह कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है भारत में कोयला उत्पादन के क्षेत्र। भारत में कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है गोंडवाना युग का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 98% तक कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसमें पहला आता है दामोदर घाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत रानीगंज, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सर्वप्रथम यहीं सन 1744 में कोयले का उत्पादन शुरू हुआ था। दामोदर घाटी में दूसरा क्षेत्र है झरिया, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और यह कोयला उत्पादन में रानीगंज के बाद दूसरे नंबर पर है। गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, डाल्टनगंज, ये क्षेत्र भी झारखंड में स्थित है, जो कि दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। गोंडवाना क्षेत्र में दूसरा है सोन घाटी क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा शामिल है। तीसरा जो क्षेत्र है दामोदर घाटी में ही, वो है महानदी घाटी क्षेत्र। उड़ीसा का तलचर और मध्य प्रदेश का सोनहट, विश्रामपुर, लखनपुर महानदी घाटी क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ भी अंतर्गत प्रसिद्ध है, जिसमें कोरबा, रायगढ़, तातापानी, रामकोला, ये सारे क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। भारत में गोंडवाना क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरा जो क्षेत्र है वो है टर्शियरी युग का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 2% कोयले का उत्पादन होता है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के पलाना, बरसिंहसर, बिथनोक, जो कि बीकानेर में स्थित है, इसके अतिरिक्त कपूरडी जालीपा, जो कि बाड़मेर में स्थित है, कसनऊ इग्यार, जो कि नागौर में स्थित है, इसके अतिरिक्त टर्शियरी युग का कोयला तमिलनाडु के नवेली में और माकुम असम में कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक लिग्नाइट का भंडारण तमिलनाडु में है, जहाँ पर मन्नारगुड़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त अनेक कोयला क्षेत्र है, जैसे कालाकोट, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, उमरसार, जो कि गुजरात में है, बाहुर, जो कि पांडिचेरी में है, बरकला क्षेत्र, जो कि केरल में है, और नामचिकनाम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में है, और सिंगरेनी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये सारे कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।